कोसली के मलेशियावास नहर में आज उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब नहाते वक्त पानी के तेज बहाव के साथ हरियाणवी कलाकार दीपांशी दीवान बह गई। पुलिस और गोताखोरों की टीम लगातार नहर में तलाश कर रही है, मगर अभी तक दीपांशी का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। गुरुग्राम के दौलताबाद की रहने वाली हरियाणवी कलाकार 23 वर्षीय दीपांशी दीवान अपने मामा के घर कोसली आई हुई थी। यहाँ दीपांशी दीवान को गांव तुम्बाहेड़ी में एक शादी समारोह में शिरकत करनी थी, लेकिन रास्ते में कोसली नहर को देखने के बाद दीपांशी दीवान नहर में नहाने की जिद पर अड़ गई थी। लिहाजा मामा के घर पहुँचते ही दीपांशी अपने मामा के बच्चों के साथ नहर में नहाने निकल पड़ी। बताया जा रहा है कि नहर में पानी का तेज बहाव था, इसलिए जैसे ही दीपांशी दीवान नहाने के लिए नहर में उतरी वो तेज बहाव में बह गई। हालांकि इस दौरान उसके मामा के बच्चों ने उसे बचाने की भरपूर कोशिश की, आसपास के लोगों से भी मदद की गुहार लगाई, मगर जब तक लोग दीपांशी को बचाने पहुंचते वो पानी के तेज बहाव में बह चुकी थी। दरअसल दीपांशी दीवान आज ही हिसार में शूटिंग खत्म करके अपने मामा के घर पहुंची थी, लेकिन नहर में नहाने की जिद में वो हादसे का शिकार बन गई। बहरहाल दीपांशी दीवान के नहर में बहने की सूचना मिलने पर ही पुलिस के अलावा गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंच गई और तलाशी अभियान भी जारी है, मगर घंटों तलाश करने के बावजूद दीपांशी दीवान का कोई सुराग नहीं लग पाया है। कोसली से मोहिंदर भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।